Student of class 1, Montessori Complex High School, Assalamualaikum. Today our basic mathematics class. Open your index and write down the date on page number 7 and 8. Our topic is place value. Now open page number 7. Class, this is our page number 7, place value. You write down date over here. Class, in counting numbers by numerals that start from right, the first place is unit place, second place is ten place, third place is hundred place, and fourth place is thousand place, and so on. First unit, u for unit, t for tens, h for hundred, th for thousand. Unit tens, hundred, thousand. Thousand, hundred, 10 and unit are shown by the pictures to understand the place value. बीट्स फॉर यूनिट बीट्स ऑफ यूनिट्स बार्स ऑफ टेंस स्क्वेयर फॉर हंड्रेड एंड क्यूब ऑफ थाउजेंड्स रिमेंबर बीट्स ऑफ यूनिट्स बार्स ऑफ टेंस स्क्वेयर ऑफ हंड्रेड क्यूब ऑफ थाउजेंड्स यानी जब जहाँ बीट्स शो हो रही होंगी वो यूनिट होंगी ये टेंस के बार हैं और हंड्रेड का स्क्वायर है और थाउजेंड का क्यूब्स ये पिक्चर्स अच्छी तरह याद रखिएगा हमें पेज नंबर एट में काम आएगा नाउ टेक आउट योर पेज नंबर एट क्लास दिस इज योर पेज नंबर एट राइट डाउन द डेट प्लेस वैल्यू हेयर राइट इन न्यूमरल्स द नंबर शोन बाय द पिक्चर्स गिवन ब्लू ब्लू दीज आर बीट्स क्लास इट शोज फॉर यूनिट दीज आर बार्स शोस फॉर टेंस एंड स्क्वायर फॉर हंड्रेड जब हम इन्हें काउंट करेंगे तो ये हमारे यूनिट कहलाएंगे ये हमारे टेंस होंगे और ये हंड्रेड कहलाएंगे तो ये देखिए बीट्स हमारी कितनी है हम काउंट करेंगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सिक्स बीट मीन्स सिक्स यूनिट आप सिक्स यहाँ लिखेंगे अगेन काउंट बार्स कितने बार्स हैं टेंस के वन टू थ्री फोर फोर बार्स इट मीन्स फोर टेंस यहाँ लिखा है फोर कितने स्क्वायर हैं वन हंड्रेड तो वन हम यहाँ लिखेंगे अब इसी तरह हम पिक्चर्स में काउंट करते चले जाएंगे बीट्स को बार्स को और स्क्वायर को और हम अपने ब्लैंक्स में लिखते जाएंगे ब्लैंक में सबसे पहले आप यूनिट का यू टी फॉर टेंस एच फॉर हंड्रेड ये आप पहले जब ऊपर लिख लेंगे तो आपको ये यूनिट टेंस हंड्रेड लिखना बहुत ईजी हो जाएगा सबसे पहले हम यूनिट काउंट करेंगे वन एंड टू टू यूनिट्स यू के नीचे देखिए टू लिखेंगे इस तरह करके हम फिर बार्स काउंट करेंगे यानी टेंस काउंट करेंगे वन टू थ्री थ्री टेंस टी के नीचे टेंस कितने स्क्वायर्स हैं वन टू थ्री फोर फोर स्क्वायर मीन्स फोर हंड्रेड तो हंड्रेड के नीचे हम फोर लिखेंगे फिर हम यूनिट टेंस और हंड्रेड लिखेंगे अब हम काउंट करेंगे बार्स कितने हैं एक बार वन बार तो यूनिट के नीचे हम वन लिखेंगे बीट्स हमारी वन बीट्स है तो इट मीन्स वन यूनिट तो यू के नीचे हम वन लिखेंगे फिर हम बार्स काउंट करेंगे तो ये टू बार्स हैं इट मीन्स के टू टेंस हंड्रेड वन टू थ्री फोर फोर हंड्रेड अगेन नेक्स्ट पिक्चर में हम यूनिट काउंट करेंगे यानी बीट्स काउंट करेंगे वन टू थ्री तो ये देखिए यूनिट के नीचे हम यूनिट टेंस हंड्रेड यूनिट के नीचे थ्री अब बार्स काउंट करेंगे वन टू थ्री फोर फाइव टेंस के नीचे हम फाइव लिखेंगे और टू स्क्वायर मीन्स टू हंड्रेड इसी तरह नेक्स्ट पिक्चर में हम यूनिट टेंस हंड्रेड और थाउजेंड देखिए क्यूब्स आ गया क्यूब मीन्स कि ये हमारा थाउजेंड बीस में लिखा जाएगा तो आप पहले यू लिखेंगे फिर टी फिर एच फिर टी एच यानी यूनिट टेंस हंड्रेड थाउजेंड इन्हें आप काउंट करेंगे और इनके नीचे लिखते जाएंगे ये तीनों आपने खुद करने हेंगे क्लास एक चीज जहाँ पे बीट्स नहीं बनी हुई हैं तो उसका मतलब है कि यूनिट के नीचे ज़ीरो आएगा जहाँ बीट्स बन हैं वो हम काउंट करके यूनिट के नीचे लिखेंगे लेकिन अगर हमारे पास बीट्स नहीं हैं तो हम यूनिट के नीचे ज़ीरो लिखेंगे इस तरह आप ये अपना पूरा पेज कंप्लीट करके अपने पेरेंट्स से ज़रूर चेक कराइएगा टिल देन नेक्स्ट वीडियो अल्लाह अस्सलाम वालेकुम क्लास वन मॉन्टी कॉम्प्लेक्स हाई स्कूल क्लास टुडे इज़ योर मैथ्स क्लास आउट योर इंडेक्स एंड राइट डाउन द पेज Write down the date on page number 9 and 10. Our topic is unit and tens. Now take out your page number 9, units and tens. First, you write down the date over here. Look at the bars, then fill in the empty boxes. फर्स्ट वन इज़ डन फॉर यू पहला वाला आपके लिए कर दिया है सेकेंड एंड थर्ड एंड फुल पेज आपको खुद करना है फर्स्ट पेज फर्स्ट पिक्चर में हमको यूनिट और टेंस काउंट करने हैं यहाँ यूनिट और टेंस काउंट करके टेंस के नीचे टेंस और यूनिट के नीचे यूनिट लिखेंगे फिर यहाँ टेंस और यूनिट को प्लस करेंगे सबसे पहले हम यूनिट्स काउंट करेंगे वन टू यू राइट डाउन टू ओवर हेयर यूनिट के नीचे आप टू लिख देंगे फिर हम बार्स काउंट करेंगे कि कितने बार्स हैं टेंस के वन टू थ्री फोर फोर बार्स हैं तो टेंस के नीचे हम फोर लिखेंगे अब देखें यहाँ पर फोर टेंस प्लस टू यूनिट्स यानी फोर टेंस मीन्स फोर्टी प्लस टू कम टू सेकेंड अब यहाँ पर हम सबसे पहले बीट्स काउंट करेंगे यानी यूनिट काउंट करेंगे कि कितने यूनिट्स हैं हमारे वन केयरफुली ये काउंट कीजिएगा क्लास छोटे छोटे बने इसलिए आपको बहुत आराम से इसको काउंट करना है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट आप सबसे पहले यहाँ पर यूनिट और टेंस लिखेंगे फिर यूनिट के नीचे आप एट लिखेंगे अब हम काउंट करेंगे बार्स कितनी हैं टेंस की वन वन टू थ्री फोर फोर बार्स टेंस के नीचे देखिए फोर बार्स आ गए अब हमारे पास फोर टेंस प्लस एट यूनिट हैं अब फोर टेंस मीन्स फोर्टी प्लस एट थर्ड अब हमारे पास देखिए क्लास कोई यूनिट नहीं है तो हमने यूनिट के नीचे यूनिट लिखा और उसके नीचे ज़ीरो लिख दिया अब टेंस हम काउंट करेंगे वन टू थ्री थ्री हमने यहाँ टेंस के नीचे लिख दिया अब हमारे पास थ्री टेंस प्लस जीरो यूनिट यानि थर्टी प्लस जीरो क्लास ये तीन मैंने आपको कर दिए हैं और बाकी जो है आप खुद काउंट करके इस पेज को नाइन पेज को कंप्लीट करेंगे नाउ कम टू पेज नंबर टेन क्लास ये भी प्लेस वैल्यू है और जब आप ये वाली प्लेस वैल्यू करेंगे तो आपको यूनिट और टेंस का बहुत अच्छी तरह समझ आ जाएगी सबसे पहले हम आप यूनिट और टेंस लिखेंगे यूनिट और टेंस छोटा छोटा इसके ऊपर लिख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कौन सा यूनिट है और कौन सा टेंस है अब देखें जब आप इसके नीचे ऊपर यहाँ पे यूनिट और टेंस लिख लेंगे अब आपको रीड करना इजी रह जाएगा इस्टेंट्स फॉर फाइव डैश फॉर टेंस यानी ये देखिए हमारे टी के नीचे हमने क्या लिखा है फाइव तो फाइव हमारे टेंस हैं और नाइन हमारा यूनिट है फिफ्टी नाइन स्टैंड फॉर फाइव टेंस एंड नाइन यूनिट्स नेक्स्ट दोबारा से हम यूनिट और टेंस लिखेंगे नाइन्टी एट स्टैंड फॉर नाइन टेंस देखिए टी के नीचे नाइन है ना तो यहाँ पे नाइन टेंस और यूनिट एट यूनिट्स फिर हम दोबारा यूनिट टेंस और हंड्रेड लिखेंगे इसके ऊपर छोटा छोटा तो हंड्रेड स्टैंड फॉर वन हंड्रेड जीरो टेंस एंड जीरो यूनिट हम यहाँ पर जीरो टेंस और जीरो यूनिट लिखेंगे वन यहाँ लिखेंगे नेक्स्ट हम देखेंगे दोबारा सारे जितने भी नंबर्स हैं क्लास इनके ऊपर आप यूनिट टेंस और हंड्रेड लिख लें तो आपको ये फिल इन द ब्लैंक्स करना बहुत इजी हो जाएगा अब देखें वन हंड्रेड एंड ट्वेल्व स्टैंड फॉर वन हंड्रेड वन टेन एंड टू यूनिट्स बहुत इजी है एक दफ़ा आपको जब समझ आ जाएगा तो आप ये पेज खुद करेंगे मुझे समझाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी अगेन हम यूनिट टेन्स हंड्रेड लिखेंगे फिर वन सेवेंटी एट स्टैंड फॉर वन हंड्रेड सेवन टेंट यूनिट्स नेक्स्ट फिर हम यहाँ छोटा सा यूनिट टेंस और हंड्रेड लिखेंगे वन नाइन्टी नाइन स्टैंड फोर वन हंड्रेड नाइन टेंस एंड नाइन यूनिट्स इस तरह ये हम सारी फ़िलंदा ब्लैंक्स को आप कंप्लीट कर लीजिएगा और अपने पेरेंट्स से एक दफ़ा चेक करवा लीजिएगा तो आपको बहुत अच्छे से ये पेज समझ आ जाएगा फिर नेक्स्ट टाइम हम एक और प्लेस वैल्यू का पेज को एक्सप्लेन करेंगे तो आपको बहुत अच्छी तरह ये प्लेस वैल्यू जब आ जाएगी तो आगे आपको काम करना ईजी हो जाएगा थैंक यू वालेकुम क्लास वन मॉन्टीसरी कॉम्प्लेक्स उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे आज हम अपना प्लेस वैल्यू कंप्लीट करेंगे तो सबसे पहले हम इंडेक्स निकालेंगे और इंडेक्स में हमारा जो पेज नंबर इलेवन है प्लेस वैल्यू वहाँ पर हम डेट डालेंगे फिर हम अपना पेज नंबर 11 निकालेंगे दिस इज़ योर पेज नंबर 11. प्लेस वैल्यू ये बहुत ईजी है इसमें आपको सिर्फ नंबर्स लिखने हैं इन्होंने टेंस और यूनिट आपको दिए हुए ये देखिए यूनिट टेंस और हंड्रेड की लाइंस बनी हुई हैं। यूनिट के नीचे आप यूनिट लिखेंगे टेंस के नीचे आप टेंस लिखेंगे और हंड्रेड के नीचे हंड्रेड करेंगे ये जो प्लेस वैल्यू का मैंने आपको काम समझाया है ये सब आपने अपनी बुक में करना है ये जो आपकी बुक है मैथ्स की इसमें आप करेंगे इस प्लेस वैल्यू को समझने से पहले थोड़ा सा हम रिविजन करते हैं कि ये देखिए हमारी बीट्स थी फिर हमारे टेंस यूनिट थे पहले बीट्स मीनस यूनिट बी बार्स ऑफ स्क्वायर फॉर हंड्रेड एंड क्यूब ऑफ थाउजेंड थे उसके बाद हमने क्लास ये देखिए ये पेज किया था कि इसमें हमने बीट्स बार्स और क्यूब को काउंट करके यहाँ लिखा था नंबर्स हमने ये पूरा पेज कंप्लीट किया था इसी तरह हमने यूनिट और टेंस को काउंट करके यहाँ पे ये वाला पेज कंप्लीट किया था और अब हम इस पेज पर प्लेस वैल्यू पे आते हैं ये देखिए आपके पास यूनिट और टेंस और हंड्रेड की लाइंस बनी हुई है इसमें आपको इजीली जो यूनिट जहाँ लिखा है वो यूनिट का जो नंबर है वो यूनिट की जगह पर आएगा और टेंस का नंबर टेंस पे आएगा हंड्रेड में कुछ नहीं है तो वो प्लेस आप एम छोड़ देंगे तो फाइव टेंस एंड नाइन यूनिट्स तो फाइव टेंस के नीचे फाइव और यूनिट के नीचे नाइन नंबर टू वन हंड्रेड वन टेन एंड सिक्स यूनिट तो आप वन हंड्रेड वन टेंस और सिक्स यूनिट लिखेंगे नंबर थ्री पे वन हंड्रेड एट टेंस एंड थ्री यूनिट्स वन हंड्रेड एट टेंस एंड थ्री यूनिट्स नंबर फोर टू हंड्रेड फोर टेंस एंड वन यूनिट टू हंड्रेड फोर टेंस एंड वन यूनिट अगेन टू हंड्रेड नाइन टेंस एंड जीरो यूनिट टू हंड्रेड नाइन टेंस एंड जीरो हंड्रेड ज़ीरो यूनिट सॉरी वन हंड्रेड फाइव टेंस एंड फोर यूनिट्स वन हंड्रेड फाइव टेंस एंड फोर यूनिट्स टू हंड्रेड एंड सिक्स यूनिट अब क्लास देखिए टू हंड्रेड टेंस में कुछ नहीं है दिया हुआ तो हम यहाँ जीरो लिखेंगे और ये सिक्स यूनिट आ जाएगा तो टू हंड्रेड एंड सिक्स हम इसको रीड करेंगे इसके बाद टू टेंस और एट यूनिट्स हैं हंड्रेड नहीं है हंड्रेड में ज़ीरो टू टेंस एंड एट यूनिट्स इस तरह क्लास या आपको पूरा पेज अपनी बुक में कंप्लीट करना है यहाँ आपका प्लेस वैल्यू जो है वो कंप्लीट हो गया है इस पेज को आप दो तीन दफ़ा रिवाइज़ कीजिएगा तो आपको बहुत अच्छे से प्लेस वैल्यू समझ आ जाएगा थैंक यू वेरी मच